हेलो दोस्तों, मैं बादल, मैं नेहा, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो गाइज, आज एक माइंड ब्लोइंग सा गाना लेके आए हैं आप लोगों के लिए। खेसारी लाल यादव जी का आज ही नया गाना आया। गाने का नाम है जीजा जी से सीख ले। तो गाना है खेसारी लाल यादव का, एंड साथ में जो इनके को सिंगर हैं वो हैं नेहा राज। तो गाइज, ये गाना उम्मीद करते हैं हमें फुल ऑन एंटरटेन करने वाला है, क्योंकि इस गाने के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। और हमने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था ना कल की वीडियो में कि भैया बेबी होने वाला है। तो गाइज, बेबी हो चुका है, आ चुका है, मतलब घर पे नहीं आया है, हॉस्पिटल में है, लेकिन इस दुनिया में आ चुका है बेबी। और बेबी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, या जो वो लोग देखते हैं उनको पता होगा, अभी बेबी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी मम्मी को छुट्टी मिल गई है, लेकिन हमारा बेबी की हालत ना थोड़ी ख़राब है। तो दुआ करो आप सब कि वो जल्दी से घर आ जाए। जो व्लॉग देखते हैं उन सबको पता होगा ऑलरेडी, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ भाइयों, दुआ करो आप सब की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारा बेबी फटाफट हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो चलिए आप, आपको बता देते हैं गाना हमें किस किस ने सजेस्ट किया। गाना हमें सजेस्ट किया कार्तिक कुमार, बल्केश्वर कुमार के एल वाई फैन, बबलू चादर, आलिम भाई, वे ऑफ म्यूजिक, ए वाई भोजपुरी, ललित गौतम, विमल यादव, विशाल यादव, विशु शर्मा, कार्तिक कुमार, तानवी पांडे, मिराज खेसारी, खेसारी होलिक्स, एंड सुजीत राजभर, मोहित द प्रिंस, रोहित द प्रिंस। आर और एम में ये थोड़ा वो कर जाती है, आर और एम के चक्कर में कलर ब्लाइंड है। ठीक है, तो चलिए गाने को एंजॉय करते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो बने रहे लास्ट तक, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है। चलिए एंजॉय करते हैं। ओहो, नया पटोला नहीं एक्ट्रेस है ना, ये सारी लाल यादव की लिस्ट में नई एक्ट्रेस जुड़ गई है। ओह धोती सोझा हम जाइब कैसे, लाज बड़ी लागे बतियाइब कैसे, जदि रुस जाइ है पियावा तो आवे न समझ में मनाइब कैसे। सैया के सोझा हम जाइब कैसे, लाज बड़ी लागे बतियाइब कैसे, जदि रुस जाइ है पियावा तो आवे न समझ में मनाइब कैसे। कैसे पियावा से मिले के बा, आबो जी जे जी से सीखला, से पकड़ है आखी लेके बा, आबो जी जे जी से सीखला, आबो जी जे जी से सीखला। Hey.
रउआ भैया पूरा चालू जीजा है के सारी। तो गाइस गाना फुल ऑन एंटरटेनिंग था। गाने के अंदर मतलब खेसारी लाल की आवाज़ में कोई कमी नहीं थी, उनके एक्ट में कोई कमी नहीं थी, डांस में कोई कमी नहीं थी, माइंड ब्लोइंग डांस स्टेप्स थे, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, ठीक है, माइंड ब्लोइंग था। लेकिन जहाँ कमी लगी, लड़की खूबसूरत बहुत थी लेकिन लड़की के एक्सप्रेशंस नहीं मैच कर रहे थे। या तो लगा लो भी खेसारी लाल यादव के एक्सप्रेशंस बहुत खुल के आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लड़की का खेसारी लाल यादव के साथ पहली बार रिएक्शन वो था, शूट था, इंटरेक्ट हो सकता है, तो इसलिए भाई कंफर्टेबल ना हो, नर्वस होगी इतने बड़े स्टार के साथ। और लड़की खूबसूरत थी लेकिन डांस में भी पीछे रह गई। मैं पहले भी बोला है गाइस, खेसारी लाल यादव के साथ अगर किसी एक्ट्रेस को काम करना है तो बहुत रिहर्सल चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए भैया, बहुत हिम्मत चाहिए। मुझे तो ये लगता है खेसारी लाल यादव प्रैक्टिस भी नहीं करते होंगे, वो भी इतने एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है, वो आते हैं एक्सरसाइज करते हैं ना, सुबह उठ के जिम जाते हैं। तो गाइस माइंड ब्लोइंग गाना था, लेकिन कहीं ना कहीं हम फीमेल की तरफ से, मतलब एक्ट्रेस थी फीमेल साइड से, उस साइड से थोड़ा सा कमी महसूस हुई हमें, लेकिन वो इतनी कमी नहीं थी कि हम गाने में कमियां निकाल सकें। हाँ। गाना माइंड ब्लोइंग था, ऑल ओवर जो होता है ना खेसारी लाल यादव के जो डांस स्टेप्स थे, इनकी एक्टिंग थी, वो इनने सब ढक लिया, ठीक है, सब ढक लिया। हम तो देखते ही इस उसमें है कि भाई अच्छा क्या लग रहा है, बुरा क्या लग रहा है, लेकिन जो एंटरटेनमेंट के लिए देखेगा कोई, तो वो उसमें सब कुछ खेसारी लाल यादव ने चकाचौंद कर दिया है, ढक लिया उन्होंने सब कुछ। तो हमें गाना बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को ये गाना कैसा लगा हमारे साथ देखना। क्या आप खेसारी जी के फैन हैं और आप चाहते हैं कि हम उनके गाने रिएक्शन करें, क्या आपको अच्छे लगते हैं ये प्लीज बताएं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि एक आधा भाई भी ऐसा है क्या जिसे अच्छे नहीं लगते हो। हाँ। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और गाइज अगर आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जिसके फैन हो, खेसारी लाल यादव के फैन हो, या जो भी आपका फेवरेट सिंगर हो, फेवरेट एक्टर हो, उनका भी नाम कमेंट्स में चाहिए मेरे को। मुझे पता है खेसारी लाल इज गोइंग टू बी विनर वही होने वाले हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे पास ऑडियंस जो है वो किस किस के गाने सुनना चाहती है, ताकि हम एक्शन देखना चाहते हैं, ताकि हम उनके गानों पर रिएक्शन कर सकें। तो गाइज इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।